कुछ देर सोने की कोशिश करके वो एक बार फिर उठा और ज़मीन पर मौजूद पाउडर का खड़े होकर मुआयना करने लगा, लेकिन वो वैसा ही था जैसा उन्होंने ज़मीन पर डाला था, जिससे उसे तसल्ली हुई और वो एक बार फिर सोने की कोशिश करने लगा। तकरीबन आधा घंटा गुजरा होगा और वो पूरी तरह नींद में गया भी नहीं था कि उसे घर के बाहर से गाड़ी के अचानक ज़ोरदार ब्रेक लगने और टायर से स्क्रीचिंग की आवाज़ आई। ये आवाज़ उसे अपने घर के बाहर से ही आई थी और इतनी तेज़ थी कि वो चौंक कर उठ गया। शायान, उठ यार शायान, जल्दी उठ प्लीज़, मुझे कोई आवाज़ आई है। वो शायान को जगाने लगा जो बेसुध सो रहा था। अचानक हड़बड़ा कर उठा। क्या हुआ अमिश? वो गड़बड़ा कर अपना सर खुजाते हुए पूछने लगा। यार कोई आवाज़ आई है बाहर से गाड़ी की, चल यार देखते हैं, मुझे लग रहा है हमारे घर के बाहर से आई है, आमिश ने परेशानी के आलम में कहा। सोचा यार कुछ नहीं हुआ, शायान जो गहरी नींद से जागा था कहकर दोबारा लेट गया। चल यार प्लीज़ शायान, कुछ तो हुआ है, देखते हैं चलकर गाड़ी को, आमिश इसकी मिन्नत कर रहा था, लेकिन इस बार शायान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आमिश खुद को झूठी तसल्ली देते हुए दोबारा लेट गया। बार अकेले जाने की हिम्मत ना थी। उसे डर महसूस होने लगा, जिसकी वजह से उसने मुंह तक चादर एक बार फिर ओढ़ ली। उसने महसूस किया कि बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। इससे पहले तक ये आवाज़ इक्का दुक्का कभी आ रही थी, लेकिन अब वो आवाज़ें मुसलसल और तेज़ आ रही थीं। एक अनजाना खौफ उसे खाए जा रहा था। आमिश एक बार फिर सोफे पर उठ के बैठ गया और कमरे में निगाह दौड़ाने लगा। खौफ उसे खाए जा रहा था, लेकिन इसके पास कोई चारा ना था सिवाय वापस सोने के, तो वो एक बार फिर लेट गया। तकरीबन 10 मिनट गुजरे होंगे कि उसे अपने पैर पर किसी के छूने का एहसास हुआ। उसने चौंक कर अपना पैर खींच लिया और उस जानिब देखने को था कि किसी ने इसका पैर जोर से पकड़कर उसे शायान की जानिब खींचा। वो सोफे से लुढ़क कर सीधा शायान के ऊपर गिरा और बदहवासी से उसे देखने लगा। यकायक उसे दूसरा झटका लगा और उसे पैर से इतनी ज़ोर से खींचा गया कि वो शायान के ऊपर से होता हुआ ज़मीन पर रगड़ता हुआ जाने लगा। शायान बचा मुझे शायान, रोक मुझे शायान, बचा ले, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर शायान को पकड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन इससे पहले कि शायान इस मामले को समझ पाता, आमिश खिंचता हुआ इसकी पहुँच से दूर निकल चुका था। शायान इसके गिरने से गड़बड़ा कर उठ गया था, लेकिन संभल नहीं पाया था। आमिश को वो ताकत बुरी तरह खींचते हुए ले जा रही थी। वो जमीन पर मौजूद पाउडर से गुजरता हुआ शॉपिंग बैग्स पर और उसके बाद सीधा दरवाजे की तरफ खींचता चला जा रहा था। हैरत अंगेज तौर पर इससे ज़मीन पर मौजूद पाउडर और शॉपिंग बैग बिखर गए थे, जबकि आखिर में मौजूद रस्सी जो ज़मीन से ऊपर थी हिली भी नहीं थी, ना ही घसीटने में आमिश का हाथ बढ़कर इस तक पहुंचा था। कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और आमिश दरवाजे से बाहर की तरफ बेदर्दी से खींचे जा रहा था। वो मुसलसल चिल्ला रहा था और इसी दौरान शायान अपनी जगह से उठकर इसके पीछे भागा। शायान बचा ले मुझे प्लीज़ शायान, वो बुरी तरह चिल्ला रहा था और शायान इसका नाम लेता हुआ इसकी तरफ भाग रहा था। आमिश अपनी हर मुमकिन कोशिश के बावजूद खुद को नहीं रोक पा रहा था। घर से निकलकर दाखिली रास्ते से होता हुआ वो बाहर की तरफ खिंच रहा था। इसकी दिल लर्जा देने वाली चीखें दूर दूर तक सुनाई दे रही होंगी। शायान ने कमरे से निकलकर तेजी से भागकर आमिश का हाथ बिलाखिर थाम लिया और बैरूनी दरवाजे से कुछ फासले पर उसे रोकने में कामयाब हो गया। आमिश के पैर से ग्रिप तब ढीली हो चुकी थी और वो खुद उठने की कोशिश करने लगा। साथ ही शायान ने उसे सीने और कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। रात के 4:30 का वक्त हो रहा होगा और सन्नाटे ने माहौल को अपनी लपेट में लिया हुआ था। इस सब के दौरान कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें एक बार फिर बहुत बढ़ गई थी।
शायान पलट पलट कर पीछे देखता और उसे सहारा देता हुआ घर में जल्दी से दाखिल हुआ और उसे सोफे पर लाकर बिठा दिया, साथ ही दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया। इस सब के दौरान शायान के टकराने से वो बर्तन अपनी जगह से नीचे गिरे हुए थे। आमिश का जिस्म और चेहरा जख्मी हो चुका था और जगह जगह से रगड़ के बाइस खून बह रहा था। चल शायान, चल यहाँ से, आमिश ने बमुश्किल बोलने की कोशिश की, लेकिन इसकी हालत उसे इजाज़त नहीं दे रही थी। कुछ देर सांस बहाल करके दोनों ने ऊपर कमरे में जाने का फैसला किया। आमिश शायान की मदद से बमुश्किल चलता हुआ ऊपर आया और शायान ने उसे बेड पर लिटा दिया। आमिश के कपड़े जगह जगह से फट चुके थे। इस तमाम वाकये में शायान ने पूरी हिम्मत से काम लिया और आमिश का भरपूर साथ दिया। दोनों सुबह का इंतज़ार कर रहे थे ताकि किसी हॉस्पिटल जा सकें। शायान ने हल्की फुल्की फर्स्ट एड दे दी, जिससे आमिश अब कतरे बेहतर महसूस कर रहा था। सुबह 7 बजे तक दोनों वहीं बैठे रहे और जब मुनासिब रोशनी हो गई तो हॉस्पिटल जाने का फैसला किया। शायान कपड़े चेंज करके तैयार हो चुका था जबकि आमिश अभी तक बेड पर ही लेटा हुआ था। चल यार आमिश, हिम्मत कर थोड़ी, चेंज करके फिर चलते हैं, शायान ने खिड़की से बाहर झांक कर कहा, जहां से अब रोशनी कमरे में दाखिल हो रही थी। आमिश कोहनियों घुटनों पर तकलीफ के बायस जोर से कमर से बाहर निकलकर सीढ़ियों पर रगड़ने और टकराने से हो रही थी बमुश्किल चल पा रहा था। वॉशरूम का दरवाज़ा लॉक किए बिना ही वो अंदर गया था। वॉशरूम से फारिग होकर कपड़े बदल कर वो अब बाथरूम में मौजूद आईना देख रहा था। इतना सब कुछ होने के बावजूद वो जिंदा था, जिस पर वो दिल ही दिल में शुक्र कर रहा था। चेहरा कई जगह से छिल गया था और जख्म के निशान वाज़ेह थे। चेहरा आईने के करीब करके इसमें कभी अपने माथे और आंखों के गिर जख्म देखता तो कभी अपनी कोहनियों पर लगे जख्म और कभी शर्ट ऊपर करके कमर पर देखने की कोशिश करता। इसी असना में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बाथरूम में कोई और भी मौजूद हो। वो एक लम्हे के लिए सोचने लगा, लेकिन फिर पलट कर दरवाज़ा चेक किया जो खुला था। वो एक बार फिर आईने में अपना चेहरा देख रहा था। इसने अपने चेहरे पर पानी डाला और एक जख्म उसे कुछ गहरा मालूम होने लगा। पानी और हाथ लगाने पर इससे हल्का सा खून निकलने लगा। आमिश ने हाथ लगाकर चेक किया और जूं ही अपने हाथ पर नज़र पड़ी वो हैरान रह गया। इसका हाथ खून से भरा हुआ था। आमिश के होश ये देख कर उड़ गए। आईने में देखा तो वहाँ मामूली सा खून महज इसी जगह तक महदूद था। आमिश ने अपना हाथ एक बार फिर देखा और इसका दिल दहल कर रह गया। इसका हाथ खून से भरा हुआ था। एक बार फिर आईने पर नज़र दौड़ाई तो उसे अपना चेहरा कुछ गैर मामूली लगने लगा। आमिश ने करीब होकर दोबारा खुद को देखा। आईने में मौजूद इसका अक्स अब एक जगह रुक गया था। वो नासमझी की कैफियत में दोबारा पीछे हटा और दोबारा चेहरा करीब किया, मगर इसका अक्स एक जगह थम कर उसे ही देख रहा था। आमिश ने मजीद गौर करना शुरू किया और अपना चेहरा सामने देखते हुए इधर उधर हिलाया, लेकिन आईने में मौजूद अक्स इसका कुछ देर पहले का था, जब वो एक मुनासिब दूरी से खुद को देख रहा था। बेसाख्ता इसकी नज़र अपने हाथ पर पड़ी और उस पर खून अब मौजूद ना था। एक बार फिर उसने नज़र उठाकर आईना देखा। इसका अक्स उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। आमिश चंद लम्हों तक बेयकीनी के आलम में उसे ही देखता रहा, मुख्तलिफ जाविये बदल कर और जिस्म को हरकत देकर सामने देखता रहा, लेकिन इसका अक्स एक ही अंदाज में मुंजमित उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। इसकी मुस्कुराहट खौफ से भरपूर थी। तुम चाहते तो बचा सकते थे, देखते ही देखते आईने में मौजूद आमिश ने जबान खोली और आवाज वही वाली थी। आमिश एक चीख के साथ तेजी से बाहर की तरफ दौड़ा और सीधा कमरे में मौजूद शायान के पास पहुंचा। वो आमिश की चीख से जाग चुका था। क्या हुआ, उसने घबरा कर तजस्सुस से पूछा। यार फिर कोई है वहां बाथरूम में, उसने डरते डरते बताया।
माहौल एक बार फिर पुरसरार और खौफ की लपेट में था। शायान ने दबे कदमों बाथरूम की तरफ रुख किया, धक्का देकर दरवाजा खोला और सामने मंजर देखकर दोनों के होश गुम हो गए। वॉश बेसन के ऊपर मौजूद आईना टूटा हुआ था और इस पर तुम चाहते तो बचा सकते थे के अल्फाज खून से तहरीर हुए हुए थे। ये मंजर आमिश ने भी दूर से देखा और दोनों सरपट बाहर की तरफ दौड़े। गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर रुकी और दोनों नंगे पैर गाड़ी से उतरकर अंदर दाखिल हुए। हॉस्पिटल में मौजूद लोग हैरत ज़ेहने और वो दोनों खौफ से लोगों को देख रहे थे। हॉस्पिटल में डॉक्टरों को एक्सीडेंट का बहाना करके ट्रीटमेंट ली और कुछ घंटों में दोनों शायान के घर में इसी के कमरे में मौजूद थे। तू ऐसा कर, कुछ दिन मेरे ही घर ठहर जा और हम किसी आमिल से रब्ता करते हैं ताकि इस मुश्किल का कोई हल निकल सके, शायान ने कमरे में टहलते हुए कहा। आमिश सोच में डूबा बेड पर बैठा महज सर हिलाकर रह गया। शाम के करीब दोनों एक आमिल समेत घर के बाहर मौजूद थे। घर में दाखिल होते ही इनकी हैरत की इंतहा न रही जब नीचे लाउंज में हर चीज अपनी पुरानी तरतीब पर मौजूद थी। आमिश और शायान को हैरत का एक झटका लगा। उधर तमाम चीजें बिल्कुल पहले जैसी ही थी, ना तो कोई पाउडर, ना थैली, ना रस्सी। सोफे अपनी पहली वाली जगह पर मौजूद थे। शायान और आमिश हैरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगे। इसी दौरान आमिश को ऊपर किचन की तरफ से किसी आवाज ने मुतवज्जे किया। तूने सुना, कुछ आवाज आ रही है ऊपर से, आमिश ने शायान के करीब होकर कान में सरगोशी की। हाँ, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। एक लम्हे के लिए वो दोनों रुककर ऊपर से आने वाली आवाज पर गौर कर रहे थे कि साशा की आवाज सुनाई दी। वो हमना को पुकार रही थी। दूसरी आवाज हमना की थी, जिसे सुनकर आमिश ने ऊपर की तरफ दौड़ लगा दी और सीधा किचन की तरफ भागा जहां लाइट जल रही थी। साशा उधर पहले से मौजूद कुछ काम कर रही थी। आमिश को देखकर पलटी। तुम यहां कैसे और कब आई हो? आमिश ने साशा को देखते ही सवाल किया। मैं कब आई हूं, क्या हो गया आमिश? साशा ने जवाब हैरानगी से दिया। हाँ, तुम इधर कब और किसके साथ आई हो साशा? आमिश के जहन को ख्यालात के एक नए तूफान ने अपनी लपेट में ले लिया। क्या हो गया है आमिश, आप ही ने बुलवाया है दोपहर को, हम मात के साथ आई और अब आप ये कैसे सवाल कर रहे हैं? साशा ने माथे पर बल डालते हुए बताया। मैंने बुलवाया है? आमिश ने बगौर साशा की आंखों में झांकते हुए पूछा। जी भाई, आपने ही तो फोन किया था कि घर आ जाओ, साशा ने हाथों को हवा में उठाकर बात को जोर देते हुए कहा। मैंने बुलवाया है? आपने दोपहर को फोन करके बुलाया ना? साशा अब की बार आमिश के इस तरह पूछने पर कुछ परेशान नजर आई। इधर आओ, आमिश इसका बाजू पकड़कर कमरे की तरफ तेजी से बढ़ा। कमरे में हमना पहले से मौजूद अपने टैबलेट से खेल रही थी। ये देखकर आमिश पर हैरत का एक पहाड़ टूटा। आमिश साशा को कमरे में एक तरफ हमना से दूर लेकर गया और उससे पूछगछ करने लगा। साशा, मुझे पूरी बात बताओ, कब बुलाया, क्या हुआ, किसके साथ आई हो तुम, एक एक बात। आमिश ने हैरत को धकेल कर इंतहाई परेशान को अंदाज में पूछा। दोपहर को आपने बुलाया था और मैं आ गई हम्माद के साथ, साशा ने अपने मखसूस अंदाज में जवाब दिया। नहीं साशा, मुझे एक एक बात बताओ, वर्ड टू वर्ड फोन आने से अब तक, आमिश ने कहा। आपने दोपहर को फोन किया था, फिर क्यों पूछ रहे हैं? साशा ने ना समझते हुए कहा। साशा, मैंने कोई फोन नहीं किया था तुम्हें, तुम्हारे पास क्या फोन आया है, क्या बात हुई है, मुझे ये बताओ। साशा के चेहरे पर डर मंडराने लगा। मतलब वो फोन आपने नहीं किया था? साशा ने घबराते हुए पूछा। तुम उसको छोड़ो, कितने बजे फोन आया, क्या बात हुई, फिर यहाँ आकर क्या हुआ, मुझे ये सब बताओ साशा, प्लीज फॉर गॉड सेक, आमिश ने झुंझलाते हुए पूछा। आपकी 12:30 बजे कॉल आई थी और आपने कहा साशा तुम किसी के साथ आ सकती हो। मैंने आपसे पूछा क्यों, तो आपने कहा मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो रही है, तुम जल्दी से आ जाओ,
मैंने आपसे पूछा तबीयत का, लेकिन आपने कहा बस तुम घर वापस आ जाओ, और मैं फिर हमना को लेकर वापस आ गई। साशा रवानी से बता रही थी। फिर यहाँ क्या हुआ, अमिश ने झट से सवाल किया। फिर आप ही ने बताया कि तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द और घबराहट महसूस हो रही है। फिर आमिश ने फौरन पूछा, या आपको क्या हुआ है, आप क्यों पूछ रहे हैं आमिश, कैसे बिहेव कर रहे हैं, साशा ने परेशान होते हुए कहा। साशा देखो, मैंने तुम्हें छोड़ते हुए बताया था कि कुछ मसले हो रहे हैं, और अभी भी हम मसले की जद में हैं। मुझे तुम आगे बताओ एक एक बात जो तुम्हारी मुझसे हुई है दोपहर से अब तक। आमिश माथे पर पसीना लिए हुए पूछगछ कर रहा था। एकदम किसी ख्याल के आते ही वो बाथरूम की तरफ गया और अंदर आईने को झांका और वापस आ गया। आईना बिल्कुल सही था। क्या हुआ, साशा ने हैरानगी से पूछा। फिर क्या हुआ, हमारी क्या बात हुई थी, आमिश ने अपना सवाल दोहराया। आमिश देखे, मुझे डर लग रहा है, प्लीज मुझे बताएं क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, अभी आधे घंटे पहले तक तो ठीक थे ना, साशा ने डरते हुए थोड़ा पीछे हटकर कहा। आधे घंटे पहले, आमिश ने हैरानगी से अल्फाज पर जोर देते हुए कहा। जी आधे घंटे पहले तो आप ठीक थे और ज़रूरी काम का कहकर गए थे, साशा ने डरते डरते बताया। आमिश ने अपने सर पर हाथ मारा और बेड पर जाकर बैठ गया। आंखों पर हाथ रखे सर नीचे झुकाकर वो कुछ देर तक ऐसे ही बैठा रहा। साशा तुम्हारे घर आने से अब तक तुम्हारी मुझसे जो जो बात हुई है और जो जो हुआ है वो बताओ मुझे। मैं घर पर वापस आई तो आप बेड पर लेटे हुए थे, फिर आपने कहा कि सर में दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, तो मैंने आपको मेडिसिन दी और सोने का कहा, साशा डरी सहमी आमिश को बताने लगी। फिर आमिश ने तजस्सुस और हैरानगी से पूछा, फिर आप सो गए और एक दो घंटे के बाद उठे, साशा ने बताया। फिर जब आप उठे तो मैंने खाने का पूछा और आपने मना कर दिया, फिर मैंने आपकी तबीयत पूछी, आपने कहा बेहतर लग रहा है, फिर आपसे खाने का पूछा, आपने कहा भूख नहीं है, फिर मैंने आपसे पूछा कि आपको क्या हो गया, क्या हो रहा है आपके साथ, साशा रवानी में बताते हुए एकदम रुकी। आमिश मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ पहले बताएं आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं, किसने मुझे फ़ोन किया और आपको क्या हुआ है, आप हमारे बीच हुई बातें वापस क्यों पूछ रहे हैं, साशा ने परेशान होते हुए सवाल किया। साशा मेरी बात गौर से सुनो, मैं तुमसे ये सब इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो मैं नहीं था जिसने तुम्हें बुलाया है, और जो यहाँ था मैं शायान के साथ इसके घर पर था, और अभी हम एक आमिल को लेकर आए हैं, आमिश ने तसल्ली से साशा को बेड पर अपने साथ बिठाते हुए बताया। क्या मतलब, वो आप नहीं थे तो वो कौन था, साशा ने लरस्ती आवाज में पूछा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको इस स्टोरी में क्या अच्छा लगा और क्या नहीं। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया।